लता मंगेशकर, आशा भोसले के साथ गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के मन मुटाव थे, इसीलिए गुलशन कुमार लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। उसी वक्त हार्ट सर्जरी करके इंडिया लौटे आर डी बर्मन से गुलशन कुमार ने पॉप सॉन्ग का एल्बम रिकॉर्ड करने की बात की थी, जिसमें अनुराधा पौडवाल शामिल होने वाली थी। आर डी बर्मन ने सोचा कि ये तो अच्छा ऑफर मिल रहा है, इसी वजह से उन्होंने हाँ कर दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आशा भोसले को उनके फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा कि आशा भोसले और मैं एक दूसरे के फैसलों में इंटरफेयर नहीं करते थे। गुलशन कुमार के साथ उनके मनमुटाव थे, ये उनकी बात थी, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। हाँ, पर इतना जरूर है कि उस पॉप सॉन्ग के लिए गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल ही आर डी बर्मन से बात कर रहे थे, और गुलशन कुमार ने तय किया था कि वो ये मौका सिर्फ और सिर्फ अनुराधा को ही देंगे। दोस्तों, गुलशन कुमार और महेश भट्ट की दोस्ती नोकझोंक किसी से भी छुपी नहीं है, बल्कि गुलशन कुमार के मर्डर केस में भी महेश भट्ट का एक एंगल है, क्योंकि वो उनके करीबी थे। पर गुलशन कुमार और महेश आशिकी फिल्म के कारण एक अच्छे दोस्त बन गए थे। गुलशन आशिकी फिल्म के प्रोड्यूसर थे तो डायरेक्टर थे महेश भट्ट। फिर आशिकी 2 के वक्त महेश भट्ट ने गुलशन कुमार को बहुत याद किया, क्योंकि गुलशन कुमार के सिवा फिल्म बनती ही नहीं, और अब तो आशिकी 3 आने वाली है, जिसके साथ टी सीरीज के मालिक यानी कि भूषण कुमार जुड़ने जा रहे हैं। इसे लेकर महेश यही कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि गुलशन कुमार के काम को भूषण आगे लेकर जा रहे हैं। महेश भट्ट ने आशिकी 2 में आदित्य रॉय कपूर के पिता के कैरेक्टर को आवाज दी थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो इस फिल्म से टी सीरीज के साथ जुड़े रहे। वैसे गुलशन कुमार के बायोपिक के लिए महेश एक्साइटेड भी है तो इमोशनल भी है। कुमार सानू म्यूजिक इंडस्ट्री की ऐसी आवाज है जिसे गुलशन कुमार ने ब्रेक किया। कुमार सानू ये जरूर चाहेंगे कि गुलशन कुमार की बायोपिक मोगल में उनके सारे स्टूडेंट्स जो आज एक बड़े सिंगर है, यानी कि अलका याग्निक, सोनू निगम, ये सब मिलकर ट्रिब्यूट दे। पर ये मौका अगर भूषण कुमार उन्हें दे तो। वैसे सानू ने गुलशन कुमार के बारे में ये कहा कि उनके पास एक म्यूजिक बैंक होती थी, मैंने भी उनके लिए रिकॉर्डिंग्स की थी। वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से 12-13 गाने रिकॉर्ड करवाते थे, उसमें से कोई गाना यूज करना वो एक शॉपिंग होती थी, और हमें पता नहीं होता था कि कौन सा गाना कब का यूज किया जाएगा। पर एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने इतने सारे गाने अपने पास रखे थे जिन्हें रिलीज करने की जरूरत थी, पर उन्होंने तब तक रिलीज नहीं किए, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई थी। तो दोस्तों, आप मोगल फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।